कोरोना वायरस का अभी तक तो कोई भी इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन हुई एक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जिसका भी इम्यूनिटी पावर जितना मजबूत होगा, कोरोना वायरस उससे उतना ही दूर रहेगा। बात जब हम इम्यूनिटी पावर की करते हैं तो इम्यूनिटी पावर के मुख्य रूप से तीन आधार होते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन रिच डाइट एंड विटामिन सी प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें अपने खान पान में, हमें अपने आहार में प्रोटीन रिच डाइट को और विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो वो है योगिक लाइफस्टाइल, यानी कि हमें अपने दिनचर्या में योग और प्राणायाम को ज़रूर शामिल करना चाहिए, इससे हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हर्बल आयुर्वेदिक होममेड रेमेडीज विच बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर मोर इफिशियंटली। दोस्तों, प्राचीन जमाने से ही हमारे ऋषि मुनियों ने अनेकों अनेक प्रकार के हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स को खोज निकाले थे, जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर को प्राकृतिक रूप से विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स बहुत ही मजबूत बना देते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक, ताकि आपको इसका जानकारी मिल सके और इसे कैसे लिया जाए, इसका कैसे सेवन किया जाए और कितने दिनों तक किया जाए, इसकी पूरी की पूरी विधि जानिए अंत तक, मेरे साथ बने रहिए। आज हम बात करेंगे हर्बल आयुर्वेदिक होममेड रेमेडीज़ का, कि इसे हम इजीली घर पर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या नहीं करते, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हेल्दी डाइट को फॉलो करो, प्रतिदिन योग और प्राणायाम करो और बस इन इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी ड्रिंक्स को रोज़ाना पी लो। बस आपको यही दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना है और बस आप देखोगे कि इनका फ़ायदा कितना ज़बरदस्त होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी मजबूत हो जाएगी, बस यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसे बनाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ों की ज़रूरत है वो है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली सभी औषधियों में गिलोय का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, यदि आपको ताज़ा गिलोय मिले तो इसकी एक छोटा सा डंठल आप ले सकते हो। यदि ताज़ा नहीं मिले तो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आप इसका पाउडर ले सकते हो, और पाउडर आपको आधे चम्मच पाउडर का यूज़ करना है। दोस्तों, बात हम दूसरी औषधियों के करें तो 4-5 तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और उसके बाद आपको 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और 2-3 काली मिर्च को लेकर के पाउडर बना लेना है। और दोस्तों, उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ वो है आंवला पाउडर। कहा जाता है 20 नारंगी खाने के बाद जो विटामिन सी हमें प्राप्त होते हैं वो केवल एक आंवला खाने के बाद हमें मिल जाते हैं, शायद इसलिए आयुर्वेद में इसे अधिक महत्व दिया गया है। दोस्तों, इसलिए आपको ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको आंवले का पाउडर ले आना है, और इस हेल्दी ड्रिंक्स को बनाने के लिए आपको आंवले का आधा चम्मच के करीब आपको इसका पाउडर लेना है। और जो अंतिम और सबसे आखिरी चीज़ है वो है मुलेठी। दोस्तों, आधा चम्मच के आसपास आपको मुलेठी का चूर्ण भी ले लेना है। आयुर्वेद में मुलेठी को ब्लड प्योरीफायर के साथ साथ ताकत देने वाला भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं अब इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे बनाया जाए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन। पैन को गर्म करने के बाद इसमें हम 1 कप पानी डाल दें। 1 कप पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से हम इसे गर्म करें। गर्म करने के बाद 2-3 पीसी हुई काली मिर्च, और उसके बाद हम 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला लें, थोड़ा सा अदरक का पीसा हुआ, और थोड़ी सी गिलोय की डंडी को हम कूट करके इसमें डाल दें, या फिर गिलोय का पाउडर हो तो वही डाल दें, 4-5 तुलसी के पत्ते डाल दें, और इसके बाद आप इसी प्रकार से सातों के सातों चीज़ें आप इसमें मिलाकर अच्छे से बॉयल करें। आपको बॉयल तब तक करना है जब तक ये आधा बच जाए, यानी कि आप 1 कप पानी डाले थे तो आधे कप तक इसे आपको बॉयल करना है। अच्छे से बॉयल होने के बाद इसे आप उतार लें, इसे ठंडे कर लें। आपको गर्म गर्म नहीं पीना है, आपको गुनगुना पीना है, और आप इसमें मीठे के लिए चाहे तो शहद भी मिला सकते हैं। ये तैयार हो गई आपकी सबसे प्रभावशाली इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी ड्रिंक्स। आप इसका सेवन करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अब इसका सेवन कैसे करना है वो जान लेते हैं। इसे का सेवन आपको सुबह शाम करना है, खाने के 1 घंटे बाद आधे आधे कप में। यदि आपकी प्रकृति गर्म है तो आप इसे दिन में 1 बार ही लें, वो भी 1/4 कप।
लेकिन फिर भी अगर गर्मी अधिक लगती हो तो आप केवल गिलोय, आंवला और मुलेठी इन तीनों का ही यूज़ करके आप काढ़ा बना सकते हो और इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो सीधे कमेंट में जाएं और उसका कमेंट करें। मैं आपका रिप्लाई देने का हमेशा कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।